जबलपुर के एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं के अश्लील वीडियो और फोटो को लेकर हड़कंप मच गया। कॉलेज की 70 से ज्यादा छात्राओं को अश्लील वीडियो और फोटो भेजे गए हैं और कई छात्रों को फोन कॉल के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेलर अनजान नंबरों से धमकियां दे रहा है कि उनकी आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल कर देगा। पिछले एक हफ्ते से यह ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी है, जिससे छात्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस गंभीर मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ छात्राओं ने अपने दोस्तों से अपनी आपबीती साझा की। अब तक 50 से अधिक छात्रों ने ब्लैकमेलर को पैसे दे दिए हैं ताकि उनकी वीडियो और फोटो वायरल न की जाए। छात्राओं ने इस मामले की शिकायत जबलपुर साइबर सेल और पुलिस में की है, जिससे दो छात्राओं द्वारा ब्लैकमेलर को पैसे देने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और साइबर सेल को भी जांच में लगाया गया है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की छात्राओं ने कॉलेज में प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पूछा कि छात्राओं के फोन नंबर ब्लैकमेलर तक कैसे पहुंचे, जिससे छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं कि वे इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना है कि कॉलेज की सूचनाओं और सर्कुलर पहुंचाने के लिए टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि छात्राओं के नंबर टेलीग्राम ऐप के जरिए लीक हो सकते हैं। प्रशासन ने भी इस बिंदु पर गहनता से जांच का आश्वासन दिया है ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। मदन महल थाना के जांच अधिकारी कृष्णनंदन राय ने बताया कि पुलिस और साइबर सेल दोनों मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।